बहुत ही सुंदर कैनेल। तो ये जो कैनेल है बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा कैनेल है ये, ठीक है, और बहुत सुंदर है, रास्ता भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। चलिए चलते हैं, हाँ, और इधर वेदर भी बहुत अच्छा है, आप आसमान को देख सकते हो, पूरा बारिश आने वाला है, लेकिन आई होप के अभी ना आए, क्योंकि अभी आएगा तो फिर हम लोग को भीगना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा तब, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग है गाजोल डोवा में पहुंच चुके हैं हम लोग, तो चलिए पहले इस तरफ जाएंगे। गाजोलडोबा आना बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहा मेरा, क्योंकि मुझे कुछ नया देखने को मिला और इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग कुछ नहीं हो सकता। तो गाइस अभी हम लोग दूसरे तरफ आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो कि फिश और सब्जी वगैरह है, तो क्योंकि आज संडे है तो स्पेशल हाट जो है वो संडे के दिन ही यहाँ पर लगा हुआ रहता है, तो अगर आप संडे के दिन आएंगे यहाँ पर तो आपको भी मिलेगा ऐसा ही फिश और सब्जी मार्केट। तो उसके अलावा यहाँ पर कई सारे दुकानें हैं जहाँ से आप खा सकते हो। तो चलिए आप भी एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को अच्छे से। तो फ्रेंड्स इतने सारे दुकान देखने के बाद हम लोगों को भी थोड़ा भूख लग गया, तो हम लोग भी खाना खा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं चाउमीन, एक पकोड़ा और फिश पकोड़ा, तो कैसा है ये बताएंगे खाने के बाद। तो चलिए अभी खाना खाते हैं। हाथ सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, तो पहले सैनिटाइज कर। थोड़ा ये टेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है, ये कैसा है। वैसे मुझे ना खाने का मन नहीं था, इतना हार्ड है, रबड़ जैसा बन गया। थोड़ा चाउमीन भी खा के देखते हैं, अच्छा नहीं लगा मुझे, मैंने स्टेक अच्छा नहीं लगा, चाउमीन खा लो। बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी खा सकते हो, बहुत ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक भी है।
खाना खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको लाइव फिश भी मिलेगा। तो पिछले बार जब मैं आई थी तब भी मैंने यहाँ से 2 गोल्ड फिश लेके गई थी, आज भी ले रही हूँ। तो मैं ये खरीद रही हूँ, ठीक है, 100 में। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं नीचे बोटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर पहले भी मैंने बोटिंग किया है, लेकिन आज जब आए हैं तो आप लोगों के लिए मैं स्पेशली बोटिंग तो करना पड़ेगा ही। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस प्रॉब्लम ये हुआ है कि मेरे जो मैंने अभी अभी फिश खरीदा है और उसका पानी लीक कर रहा है अभी पैकेट से, और सिलीगुड़ी तक जाना पड़ेगा, लेकिन अभी पता नहीं कैसे जाएंगे। उसका पानी तो लीक कर रहा है, पानी खत्म हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली मर जाएगा। सिलीगुड़ी तक कैसे जाएंगे अभी ऐसे? तो चलिए इसका कोई जुगाड़ करना पड़ेगा पहले इसका। चलो थैंक गॉड भैया मिल गए हम लोगों को, वरना तो सिलीगुड़ी तक जाना बहुत प्रॉब्लम होता। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हो हादसा हो गया, और इसके वजह से फिर वापस आना पड़ा मार्केट में, तो बोटिंग तो नहीं हो पाया। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इतना जल्दी हो गया, मैं तो डर गई थी, पर डर लग रहा था मुझे लिटरली कि कैसे अभी जाएंगे सिलीगुड़ी तक। हाँ पानी दिया थोड़ा, शायद मैंने बोला था थोड़ा पानी दे दीजिए। तो ठीक है चल अभी घर चलते हैं, बहुत देर से हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, अभी थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोग इधर से निकल गए हैं और इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ 5-7 मिनट रहेंगे, क्योंकि मेरे में अभी एनर्जी ख़त्म हो गया पूरा। पहले तो मास्क पहने रहो पूरा टाइम, मास्क में भी इतना दिक्कत होता है सांस लेने में। अभी हम लोग घर जाने वाले हैं, अभी लगभग 3 बज रहा है, घर पहुँचते 4 बज चुका होगा, और उसके बाद हम लोग इस फिश को अनबॉक्सिंग करेंगे, यानी कि एक्वेरियम में छोड़ने वाले हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं इसको एक्वेरियम में छोड़ती हूँ, और इसका कुछ नाम भी रखेंगे घर जाके। तो चलिए चलते हैं, अभी यहाँ पर फिलहाल हम लोग बाय बोलते हैं और हम लोग विदा लेते हैं। तो चलिए घर में जाके हम लोग मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी अभी मार्केट से जो काजल डोबा से जो मैं फिश लाई हूँ, उस फिश को अभी मैं एक्वेरियम में डालने वाली हूँ। तो ये है मेरा एक्वेरियम, मेरा पहले 3 एक्वेरियम था घर में, लेकिन अभी एक ही है। तो इसमें पहले से ही फिश है, कुछ देख लीजिए, यहाँ पर कुछ फिश है, पहले से ही गोल्ड फिश है और फिर एक शार्क है। तो इसमें मैं अपना नया गोल्ड फिश छोड़ने वाली हूँ, जो कि यहाँ पर मैंने पहले से डुबो के रखा है। भीतर पर मैं देने वाली हूँ, चला गया। तो ये रहा नया गोल्ड फिश एक्वेरियम के अंदर, ठीक है। तो इसका कुछ नाम रखने वाले हैं, तो नाम क्या होगा कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए इसका नाम क्या रखें। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, चलिए नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलते हैं, टाटा।